फिर कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ नौगजा बादशाह सरकार की दरबार पे, जो कि मुलियाल के साथ ही एक गांव उधर है। जी जी ठीक। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आया हूँ एंड बाइक जो है वो हमने पीछे खड़ी कर दी है, बिकॉज रास्ते में वो कोई पुल बांधा है यहाँ से सीधा उधर, इस तरफ इधर से बनेगा सीधा पुल इस तरफ, इसलिए वो रास्ते में भाई ये बोरिंग टाइप का रहे हैं, पता नहीं अभी ये मुझे नहीं पता। तो ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है एंड माशाल्लाह से जी काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। ये ऊपर जी दरबार है, ये सामने सारा पत्थर ही पत्थर है, नीचे गर्मा गर्म रेट। सो जी भी बस मैं यहाँ पर भी आ चुका एंड आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। वैसे तो मैं बाइक ऊपर ले जाता हूँ बट आज बाइक ऊपर नहीं लेके जा पाया, बिकॉज जो है रास्ता बंद, इस वजह से नहीं जा पाया। तो भी बस आप मेरी देख रहे, हालत थोड़ी सी देसी टाइप हुई है, बिकॉज मैंने असल में आज सिंधी चादर कैब नहीं थी, सिंधी चादर कोई मैंने पटका बना कर कर लिया है। सो व्यूअर्स, आपको लेकर आगे चलते हैं, सो आपको दिखाते हैं आगे आगे क्या होता है और क्या क्या हम भी देखते हैं। मैं पहले आ चुका हूँ, अभी हम दूसरी बार आ रहा हूँ, मैं तो शायद तीसरी बार आ रही हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत जगह है, इस सामने के नज़ारे तो आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। सो आपको सड़क के ऊपर भी जाकर मैं वापसी भी दिखाऊँगा। खाना खा के आए, थोड़ा सा चले, तबीयत अजीब सी हो गई है, खाना हजम हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। सो जी व्यूअर्स, हम चलते जा रहे हैं, शाह जी हमारे साथ हैं। यार वो उधर से बोरिंग हो रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि इधर कड़ा कर दो, जाने वाला है तो बेगम हो जाओ, लेकिन मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन पैदल चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है शाह जी, रास्ता काफी दूर है। वो हमने आई थे उधर जाना है और पहाड़ों का नजारा और दरबार, पहाड़ों का नजारा दरबार, दरबार का नजारा देखते हुए। शाह साहब फिलहाल पठानों वाली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी काफी ज्यादा है, मेरा तो गर्मी में काम हो गया है, इतना मोटे आदमी को पैदल चलने में बड़ा दुश्मन, हेल्दी आदमी को गर्मी में चलने में दुश्वारी होती है। हम फिलहाल चल रहे हैं, गर्म रेत है, बहुत दस रहे हैं गर्म, बहुत ज्यादा रेत, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ है जी, ये देखो दोनों तरफ पहाड़ पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ है। सो व्यूअर्स, नीचे पत्थर भी है, ये जी पत्थर है नीचे, एंड यार जो पहाड़ी है ना आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स, पत्थर का पहाड़, पठानों वाला जबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मट्टी पत्थर में है यार बेबर, सांस जो है वो फूल रही है एंड हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुआ करें हम खैरियत से पहुंच जाएं। ये बस देख रहे हैं रास्ता काफी कठिन रास्ता है, चार दादा साई का नंबर बांधना नहीं जा। हम पहाड़ी के उस तरफ से पैदल चल के आए एंड अभी भी हमारा सफर काफी बाकी है। ये यार शाह जी तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है, हाँ 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, बस आप देख रहे हैं पहाड़ और पत्थर, इधर हमारी हालत टाइट हुई है। तो यार साए पे सांस निकालते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उधर आ जाओ आगे भी, फिर यहाँ पर हम बैठते हैं और सांस निकालते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। अल्लाह
अच्छा जी देखते हैं किधर से जाते हैं, फिर पहले रेस्ट करते हैं 10 मिनट पूरे। यार बहुत गर्म है। शाह जी कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें तो महसूस बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन गर्मी हम खाना खा कर आए इसकी वजह से हो रहा है। शाह जी पठान बना हुआ है आज तो, भी बस खाना खा के आए हम लोग, तबीयत खराब हो रही है। सो हमने अभी ये पहाड़ी ऊपर जानी है, फकीर पुरा के ऊपर जाना है और एक दोस्त है उसको मिलने जाना है। अगर वो मिल गया तो बहुत अच्छा, ना मिला तो उसको ताजा दुआ देते रहेंगे। अच्छा बीबस, हम यहाँ पर फिलहाल बैठे हैं तो आगे के सफर भी कैरी ऑन करते हैं, तो कुछ देर तक जंगल है। मोटरसाइकिल भी पीछे हम खड़ा कर मोटरसाइकिल भी यार पीछे खड़ा किए हुए, जंगल है ठीक है। और मेरे तो वो जानने वाले नहीं है, शायद शाह जी के जानने वाले हैं, बट ऐसी जगह पे किसी पर एतबार करना भी आई थिंक सो रॉन्ग है। बट अल्लाह मालिक है, अल्लाह की ज़ात खुद मुहाफ़ज़ है, अल्लाह और उसके पैंतल पाक के सदक़े से। सो व्यूअर्स हम कुछ देर तक ऊपर चलते हैं। शाह जी आप बैठ जाए फिलहाल, आप रेस्ट करें थोड़ी देर, आप रिलैक्स फील करेंगे व्यूअर्स, तो फिर कुछ देर तक चलते हैं हम आगे। हम फिर से कैरी ऑन हो गए हैं अपने अगले सफर की तरफ। सो और यह नज़ारा देखें आप। सो जी व्यूअर्स हम आगे जा रहे हैं, आगे सफर के लिए तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स ये एक समझे पत्थर का नेचुरल पुल है जहाँ से पानी गुजरता है और इस दिशा की तरफ जाता है। सो अभी बस हम डायरेक्ट सीधा पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं और मेरे नी में रात का पेन भी है। जी जी इधर सीधा जाएंगे ऊपर, इधर से हाँ सुकून से चलेगा तो इस पर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये यहाँ पर कुछ मिट्टी है, बाकी सब यहाँ पर पत्थर है यार ऊपर। हम लोग आदि नहीं है। शाह जी एक मिनट आराम से यहाँ से। जाना किस उस आना तो उस तू ही ना यहाँ से ऊपर चल जाएगा। हाँ आपने देखा ये वीडियो में हम कैसे पहुंचे हैं इधर, दरबार पे बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं बिकॉज हम आदि नहीं है और जो चप्पल थी मेरी वो देख रहे हैं उसकी हालत कैसी होगी। बंदे ने जॉगर शूट पहने हो फिर काफ़ी ज़्यादा बंदे को सेफ्टी हो जाती है। शुक्र है और अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं शाह जी भी मेरे साथ हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएं कि आपको सफ़र करके कैसा महसूस हुआ? यार सफ़र करके महसूस तो फकीर की दुआ की वजह से हमें परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन जब चढ़ाई चढ़ी है तो बहुत हम थक गए। परेशानी तो नहीं हुई, अगर परेशानी होती तो हम ऊपर आते ना। नहीं हमें फकीर की दुआ से कोई टेंशन नहीं है। आ गए हैं बट ये है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। सो हम पैदल तो आ गए हैं, हम पैदल कम चलते हैं लोग, मसला बन रहा है ठीक है। तो नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है, फिर बस देख रहे हैं आप ये पीछे दरबार मेरे इधर और क्या हाल है, सूरत हाल है। पानी हमने अभी पिए, दुआ की गजब है। दरबार के अंदर जा रहे हैं, साबिये रसूल शहीद पीर अब्दुर्रहमान नौगज़ा बाबा सरकार बादशाह की दरबार के अंदर हम अभी जाने वाले हैं। व्यूअर्स
अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये वाली हम ऊपर से उतर गए, चढ़ाई चढ़ गए, हमने ये चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ पर रास्ते में ये बोरिंग हो रहा है, इस वक्त से हम आगे बाइक नहीं लेकर आ सके। सो ये जो पुल है ये चेंज होगा, ये पुल ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर भी बनेगा। तो जी व्यूअर, मैं अपनी मज़ेदार सी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अपनों में रहें, अपनों को खुश रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड एक छोटी सी आखिर में रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलें।